सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मैंने तो इतनी कोशिश करी कुछ मुझसे ही बातचीत कर ले, थोड़ा गुस्सा तो कम हो उसका। असमन डर गया वो। किससे? उस लड़के से? लेकिन शहजाद को तो अब उसकी असलियत पता चल गई है, अब उससे डरने की क्या जरूरत? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। बाबा मैं कासिम की असलियत जान चुका हूँ, लेकिन मेरी असलियत भी तो सबके सामने यही है ना कि मैं चोर हूँ। बेटा जो लोग आपको जानते हैं उन्हें पता है आप ऐसा काम नहीं कर सकते। हम समझाएंगे उन्हें। आप समझाएंगे उन्हें? कम से कम मैं तो नहीं समझा सकता। मेरा बेटा इतना कमजोर तो नहीं था? इतना ब्रेव भी नहीं हूँ बाबा। ब्रेव पढ़ना पड़ेगा ना बेटा, एक बुरे इंसान से डर के हम अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते। चाहे उस रास्ते में मेरी जितनी भी इंसल्ट हो। शहजाद ये क्या बात कर रहे हैं आप? इंसल्ट किस बात की? इंसल्ट तो उसकी हुई है जिसने दोस्ती में आपको धोखा दिया। और वैसे भी जब सबको पता चलेगा कि असलियत क्या है तो कोई आपको कसूरवार नहीं ठहराएगा। नहीं फरमान, हमें किसी को उसकी असलियत नहीं पता। जो कुछ उसने किया है उसकी सजा अल्लाह ताला से देगा। मेरे बेटे का मकसद सिर्फ पढ़ाई, और ये सिर्फ अपनी स्टडीज पे कॉन्सेंट्रेट करेगा। अम्मी मैं अपनी स्टडीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता उससे सामना मिलना। बस मुझे स्कूल नहीं जाना प्लीज। अच्छा चलें एक काम करें, मैं आपको खुद स्कूल पिक एंड ड्रॉप दे दूंगा, ठीक है? क्या मेरे साथ क्लास में ही बैठेंगे? मेरे समझ में नहीं आ रही शहजाद, ये आप किस तरह की जिद कर रहे हैं मुझसे। मैं आपके साथ स्कूल में कैसे जा सकता हूँ, कैसे बैठ सकता हूँ? चलिए मैं इतना जरूर कर लूंगा, मैं आपके प्रिंसिपल से बात करता हूँ, आपके टीचर से बात करता हूँ, वो आपका ख्याल रखेंगे और इस लड़के पर पूरी नजर रखेंगे। मुझे तो समझ नहीं आता, स्कूल को जब ऐसे बच्चों की असलियत पता चल जाती है तो बर्दाश्त क्यों करते हैं, निकाल बाहर क्यों नहीं करते? मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बाबा, मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी आपसे यही चाहते हैं। तो बाबा मेरा स्कूल चेंज करवा दें। मैं लोगों को क्लेरिफाई नहीं कर सकता कि क्या हुआ था और क्या नहीं, और ना ही मैं इन बातों में उलझना चाहता हूँ। आप सही कह रहे थे फरमान, ये तो बहुत डर गया है। नहीं बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, जब तक वो स्कूल जाएगा इस वाकये को कैसे भूल सकता हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये मामला और कितना दूर पकड़ेगा। लेकिन फरमान इस तरह से मुंह छुपा के भागना कहाँ की अकलमंदी है? जिंदगी में 10,000 मुश्किलें मसाइल आते हैं, उनको फेस करना सीखना चाहिए ना हमें। बहरहाल अब जो भी है मुझे इस वक्त ये समझ में आ रहा है कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं कल उसके स्कूल जाऊंगा, उसके प्रिंसिपल से बात करूंगा, उनसे मशवरा करने के बाद हो सकता है इस बात का कोई हल निकल आए।